यूरो करेंसी का इस्तेमाल करने वाले 19 देशों में जून में महंगाई रिकॉर्ड 8.6% पर पहुंच गई है। इन देशों को यूरो जोन भी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन सांख्यिकी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा लागत बढ़ाने और खाद्य कीमतों में तेजी के कारण महंगाई दर में वृद्धि हुई है। इससे पहले मई में इन देशों में महंगाई दर रिकॉर्ड 8.1% पर पहुंच गई थी। आंकड़ों की माने तो मई के मुकाबले जून में यूरो जोन में ऊर्जा की कीमतों में 41.9%, खाद्य अल्कोहल और तंबाकू की कीमतों में 8.9% की तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। कपड़ों, कार, कंप्यूटर और किताबों की कीमतों में मई के मुकाबले जून में 4.3% की वृद्धि रही है। यूरो जोन में पिछले साल में महंगाई में मासिक आधार पर लगातार वृद्धि हो रही है। युद्ध के कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाले 34.3 करोड़ लोगों का जीवन यापन खर्च बढ़ गया है। उपभोक्ता कीमतों पर काबू पाने के लिए यूरोपियन केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की योजना बना रहे हैं। वर्तमान समय में पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी उच्च महंगाई की चपेट में है। अमेरिका में महंगाई दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर यानी कि 8.6% पर पहुंच गई है। भारत में भी महंगाई आसमान छू रही है। अप्रैल में देश की खुदरा महंगाई दर 7.79% की दर पर पहुंच गई थी, जो पिछले 8 सालों का सबसे उच्चतम स्तर था। हालांकि यह अभी आरबीआई के अनुमानित रेंज 2-6% से ऊपर बनी हुई है। वहीं पाकिस्तान में भी आर्थिक संकट के बीच महंगाई दर 13 साल के सबसे उच्चतम स्तर यानी 21.32% पर पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान सरकार ने $6 अरब के बेलआउट पैकेज के लिए आईएमएफ की शर्तों को मानते हुए पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में भी एक बार फिर इजाफा किया है। वहीं श्रीलंका की भी हालत बेहद खराब है। श्रीलंका और पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।